नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई या डिवाइड किस तरह से करेंगे अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से। तो मान लेते हैं दोस्तों, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सपोज़ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ Z1 4+5y एंड द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ Z2 = 3+2i। दीज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट वी हैव एंड वी हैव टू ऐड देम। फर्स्ट ऑपरेशन जो हम इनके ऊपर करेंगे वो हम इनको ऐड करेंगे। तो सपोज द रिजल्टेंट ऑफ Z1 एंड Z2 इज़ देन Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2। इन केस ऑफ एडिशन वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ Z1 एंड Z2 इन द एक्सप्रेशन 4+5y +3+2i। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द होल इन आर साइंटिफिक कैलकुलेटर। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम लोग को मोड सेलेक्ट करना है। तो मोड का की प्रेस करेंगे और यहाँ से जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। तो अपने कैलकुलेटर पे हमें सेकंड नंबर वाला की प्रेस करना है। तो अभी हमारा मोड कॉम्प्लेक्स में आ चुका है। अब हमको Z1 और Z2 का वैल्यू प्लस करना है। तो सबसे पहले Z1 को एंटर करेंगे 4+5i के लिए आपको ये ENG वाला जो की है ये शिफ्ट के साथ दबाना है। तो पहले शिफ्ट एंड देन ENG। तो ये हमारा पहला नंबर हो गया, प्लस फिर से ब्रैकेट एंड 3+2 शिफ्ट के साथ ENG i के लिए, और हमें रिजल्टेंट इसका मिलेगा 7। ये हमारा रियल पार्ट है। और हमें इसका जब इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो हमें क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आप अपना नंबर एंटर करेंगे। नंबर एंटर करने के लिए आपको क्या करना है, 4+5i शिफ्ट के साथ ENG, ये आपका फर्स्ट नंबर है। प्लस आपको सम करना है इसमें 3+2i को, तो 3+2 शिफ्ट के साथ ENG। जब आप इक्वल टू करेंगे तो आपको जो पहला टर्म मिलेगा वो आपका रियल पार्ट है, और आपको इसका इमेजिनरी पार्ट देखने के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है दोस्तों। सब्ट्रैक्शन भी ठीक बिल्कुल इसी तरह से है, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला नंबर एंटर करते हैं, दैट इज़ 4+5y। 4+5y इनको थोड़ा इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे आप 4+5 शिफ्ट के साथ ये मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर है हमारे पास 3+2i, करेक्ट है ना। अभी आपको इक्वल करना है, तो ये आपका रियल पार्ट है। तो द रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का रियल पार्ट 2, एंड द इमेजिनरी पार्ट इज शिफ्ट प्रेस करेंगे और इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट इज 23i। सपोज आपको ये रिजल्ट, अभी आपको Z1 और Z2 को डिवाइड करना होता तो आप क्या करते, सिंपली चलिए मैं Z1 को Z2 से डिवाइड करता हूँ। तो क्या होगा, Z1 का वैल्यू है हमारे पास 4+5y एंड Z2 का वैल्यू है 3+2i। देन 4+5i, नॉट लाइक दैट, 4+5i दैट इज ओके, देन डिवाइड बाई 3+2i। नाउ प्रेस इक्वल, दैट इज 16.92। ये दोस्तों हमारा रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट के लिए हमको फिर से शिफ्ट को प्रेस करना है और इक्वल टू के की को प्रेस करना है, एंड योर इमेजिनरी पार्ट इज 0.53i। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।